देखिए यहाँ पे कितना मस्त वाला मौसम हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और आज है दिन मंडे और अभी शाम के 3 बज रहे हैं, शाम के या फिर बोल लीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं। और आज का क्या मतलब हाल है, आज का मौसम इतना अजीब है। दोपहर तक क्या, अभी से कितने बजे आए थे आप? 2 बजे आए। 2 बजे आए थे, 2:15 बजे तक आए थे। 2 बजे तक, 2:15 तक बोले, 2:15 तक बहुत ज़्यादा ही कड़ा धूप था और मार्केट में 10 मिनट के लिए बाइक लगाए थे आम परचेस करके, जैसे ही लौटे सीट काफ़ी गर्म, तो आप समझ लीजिए टेम्परेचर कैसा होगा और धूप कैसी होगी। लेकिन अभी का मौसम आप देख सकते हैं, अभी का मौसम बहुत ही सुहाना मज़ेदार, बारिश ज़ोरदार हो रही है, हवा तेज है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। और गर्मी काफ़ी थी यहाँ पे, तो बारिश हो जाने पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने केक बनाए हैं, मैंने केक बनाया थे आज और अभी अभी हम दोनों टेस्ट कर चुके हैं उसे। नहीं, और अभी से आए थे तो उनको कुछ सरप्राइज ही मिला था, इन्हीं से पूछते हैं क्या सरप्राइज मिला था, बताइए। जैसे ही हम रूम में इन किए तो हमें स्मेल लगा, भाई कुछ तो पका है और स्पेशल पका है। क्या पका है? जब पका है, अब मैं अकेले पकाते रहती हूँ बस। और जब किचन में प्रवेश किए तो पता चला कि केक बना हुआ है, वो भी तिल और ड्राई फ्रूट्स का। और अब हम लोग टेस्ट करेंगे। उस समय जैसे में हम आए थे उस समय काफ़ी गर्म था केक, तो अभी ठंडा हो गया, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया है, तो स्वाभाविक है मैडम का कोई प्रश्नोत्तर उसमें नहीं होगा कि भाई अभी गर्म है या ये है, तो हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हम टेस्ट करेंगे, मैडम से गुजारिश होगा कि हम लोग को आपको भी हमें केक दिखाया जाए और केक हमें खिलाया जाए, ठीक है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि केक कैसा बना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम का हाल दिखाती हूँ, एकदम मस्त वाला मौसम है, कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है और साथ ही बादल गरजने की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। देखिए कितना गंदा हो चुका है और पानी कितना जमा हो चुका है, देखिए। कितना मस्त वाला मौसम है, कितनी तेज बारिश हो रही है। हवा भी काफी ज्यादा तेज है यहाँ पे। तो चलिए मौसम का हाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब चलते हैं अब केक को टेस्ट करने के लिए। और बादल गरजने की आवाज आप लोग सुन रहे हैं ना, एकदम बहुत तेज है। सुबह में एक बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा था कि आज का मौसम इस तरह का हो जाए। पतिदेव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं केक खाना है, और मैं हूँ कि लंच बनाने में लगी हुई हूँ। और वैसे भी केक जो है अब ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं केक की शक्ल और सूरत। हम लोगों को तो काफी ज्यादा यमी और टेस्टी लग रही है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को भी ये केक कैसा लग रहा है। सुगंध बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, इसको डीप। और ये देखिए इस केक टिन का कमाल, इसमें केक बिल्कुल भी चिपका नहीं है और एकदम आसानी से निकल चुका है और काफी ज्यादा स्पॉन्जी। अभी मैं कट करके दिखाती हूँ, अभी पति देव जी कट करके दिखाएंगे। वैसे ये हम लोगों का 5 जून का केक है, आप लोग देख चुके हैं उसका रिव्यू भी ले लिए, केक बहुत ही मस्त और मजेदार बना है। आप देखिए केक खाने को तैयार हूँ। कैसा है? बहुत ही अच्छा, मजेदार, चॉकलेट का बहुत अच्छा फ्लेवर है और मीठा भी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट। देख लीजिए
लीजिए, मौसम के साथ साथ हम लोग केक का मजा भी ले रहे हैं, आनंद भी उठा रहे हैं। और केक आधा खत्म हो चुका है, अभी जस्ट बना है, आधा खत्म हो चुका है। इससे आप सहज ही पता कर सकते हैं कि केक कितना टेस्टी और कितना बढ़िया और मज़ेदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है केक। और जिसकी रेसिपी मैं आपको कल के ब्लॉग में दूंगी। तो चलिए केक को हम लोग इंजॉय करते हैं। मौसम भी अब थोड़ा सा शांत हो चुका है, बारिश कम हो चुकी है और हवा भी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और फिर देखते हैं इस तरह के मौसम में केक तो हम लोगों ने इंजॉय कर लिए जो मीठा मीठा है, और अगर कुछ मन हुआ चटपटा बनाने का, चटपटा खाने का, तो वो भी बनेगा इवनिंग में 5-6 बजे तक। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में नई रेसिपीज के साथ। नई रेसिपी नहीं, पहले तो इस केक की रेसिपी मैं आप लोगों को दूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सके और मेरे ब्लॉग्स और वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए इस ब्लॉग के साथ हम लोग विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।